सो हे हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू यट अनदर व्लॉग। और हम आज पहुंच गए ताजमहल। तो हम लोग वेस्टर्न गेट से हमने एंटर किया। हम तो वैसे पैदल ही आ गए थे, ज़्यादा नहीं, अराउंड 500 मीटर या 1 किलोमीटर होगा। अगर आप चाहें तो ये जो यहाँ गवर्नमेंट की ये छोटी छोटी गाड़ियाँ चल रही है, ये भी ले सकते हैं। 10 रुपीज़ कॉस्ट इनका टिकट होता है। देखिए भीड़ बहुत है यहाँ पर। आज कोशिश करो कि आप सब अपनी ऑनलाइन ही टिकट बुक कर लो। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा लाइन में नहीं लगना पड़ेगा, पर डायरेक्ट यहाँ से आपके जो टिकट्स है वो यहाँ से स्कैन होगी और आपको एंट्री मिल जाएगी। नहीं तो आपको बहुत लंबी लाइन में लगना पड़ेगा टिकट के लिए। तो दोस्तों स्वागत है आपका ताजमहल से। तो वी आर फाइनली रीच एट ताजमहल। हमने वेस्टर्न गेट से एंटर किया था, तो अभी हम ये जो सामने है ये रॉयल गेट है। तो ताजमहल में टोटल 4 गेट है। आपका इस साइड पड़ता है वेस्टर्न गेट जहाँ से हम आए थे। एंड ये जो आपको छोटे छोटे घर दिख रहे हैं, ये टोटल यहाँ पर 210 ऐसे छोटे छोटे रूम्स हैं जो कि कहते हैं कि जो ये ताजमहल को जिन लेबर्स ने, जिन वर्कर्स ने ताजमहल बनाया था, मतलब इन घरों में ही वो वर्कर्स रहते थे। तो एक गेट है हमारा ईस्ट गेट, जिसे वीआईपी गेट बोलते हैं। मेरे जस्ट पीछे जो है ये है रॉयल, ये है साउथ गेट, सॉरी ये साउथ गेट है। यहाँ से वर्कर्स एंटर करते थे जनरली। और जो वेस्ट गेट है वहाँ से हमारे जो बादशाह शाहजहाँ थे वो एंटर करते थे। एंड जो ईस्ट गेट है वो वीआईपीज़ के लिए यूज़ होता है बेसिकली। अभी भी आप यूज़ कर सकते हैं उसको, नॉर्मल अभी पब्लिक यूज़ करती है, लेकिन वो वीआईपी जब एंट्री होती है तो वो तब यूज़ होता है। एंड ये जो सामने है ये है रॉयल गेट, जिसे बोलते हैं शाही गेट। यहाँ से हमारी होगी एंट्री, शाही दरवाज़ा बोल सकते हैं। आपको एक बात बता देता हूँ कि जो ऊपर इतने सारे डोम्स दिख रहे हैं ना, तो ऐसा बोलते हैं कि टोटल वो 11 डोम्स है। 11 डोम्स फ्रंट में है और 11 डोम्स उसके बैक साइड पर भी है। तो इन 22 डोम्स का ये सिम्बॉलिक है कि ताजमहल को बनाने में 22 साल लगे थे। तो चलो अब एंट्री करते हैं। आपको दिख रहा होगा कि कितने सुंदर सा एकदम पूरी जो है ना अरेबिक में क्या क्या लिखा हुआ है। तुम बताओ तुम्हें कैसा लग रहा है? बहुत ही रॉयल फीलिंग आ रही है। रॉयल फीलिंग अभी से आ रही है, अभी तो अंदर कहीं भी नहीं है। एक बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर ना एडिबल्स कुछ अलाउड नहीं है। इवन आपके ट्राईपॉड भी अलाउड नहीं है। तो मेरा तो जो गोप्रो था इसका बहुत छोटा सा ट्राईपॉड था यार, वो भी उन लोगों ने देख लिया और वो रखवा लिया। तो कोई नहीं, आप उसको लॉक रूम में रख सकते हैं, फ्री में है, पर्ची आपको मिल जाएगी। एंड खाना पीना अलाउड नहीं है, वो लोग बाहर ही रख लेंगे। कुछ भी अलाउड नहीं है, पानी ला सकते हो। तो हमने तो कुछ ऐसा जुगाड़ बैठा है पानी का, हम ये ट्रेन में बॉटल्स मिली थी तो हमने ऐसे बॉटल रख ली मैंने अपने जेब में। एंड यहाँ से आपको ना व्यू दिखेगा, हमें तो भाई थोड़ी सी झलक मिल गई है। जो लाइन दिख रही है ना यहाँ से, ऐसा बोलते हैं कि अगर आप सामने से ताजमहल देखोगे तो आपको बहुत ही क्लोज दिखता है। एंड जैसे ही अगर आप जितना पास पास जाते रहोगे ये उतना ही दूर होता जाएगा आपको। आई डोंट नो कैमरे में दिख रहा है नहीं दिख रहा है। आज तो बहुत ही भीड़ है, वैसे भी आज संडे है तो संडे को जनरली बहुत भीड़ रहती है। तो अभी हम यहाँ से आए थे शाही दरवाजे से, और इसके सामने आप देखोगे ना तो कुछ 53 फाउंटेन्स इंस्टॉल्ड हैं। और ऐसा बोलते हैं कि ये 53 फाउंटेन्स जो हैं, जब फर्स्ट टाइम ये बना था ना तो उस टाइम पे जो राजा जी ने जो इंस्टॉल किए थे ना, ये वही वाले हैं। और ये अभी तक वर्किंग कंडीशन में है, इनको बस थोड़ा बहुत मेंटेन किया जाता है, थोड़ा क्लीन किया जाता है रेगुलरली, और ये वही वाले फाउंटेन्स अभी तक चल रहे हैं। आप भीड़ दे सकते हैं, अगर मेन दरवाजे के पास ना इस पॉइंट पे बहुत भीड़ होती है, यहाँ पर काफी लोग फोटोज खिंचाते हैं। तो वैसे भीड़ क्या, हम भी तो भीड़ का हिस्सा है, हम खुद भीड़ है। संडे को वैसे इतनी भीड़ होती है क्योंकि सबकी छुट्टी होती है, नेशनल हॉलीडे तो सबकी छुट्टी होती है। एंड नेशनल हॉलीडे नहीं, सॉरी नेशनल हॉलीडे तो नहीं है, मतलब पब्लिक हॉलीडे होते, सॉरी नेशनल हॉलीडे तो अलग होते ना। ओके अच्छा एक चीज और बताना चाहूंगा कि अगर आप ताजमहल में आते हो और बहुत भीड़ मिलती है तो आप ना यहाँ पर फोटोज मत खिंचाइए क्योंकि आपकी फोटोज अच्छी नहीं आने वाली है। और आप यहाँ पर भी मत खिंचाइए क्योंकि सारी भीड़ यहीं खिंचाती है, फर्स्ट शाही गेट के एंट्रेंस में, और एक ये जो जहाँ पर सारे सेलिब्रिटीज खिंचाते हैं। तो यहाँ तो आपकी फोटोज इतनी अच्छी आने वाली नहीं है। इंस्टेड ऑफ दिस आप ना साइड साइड में जो बेंचेस लगी है ना, आप यहाँ खिंचाइए, यहाँ भीड़ बहुत कम होती है एंड व्यू ताजमहल का इक्वली ब्यूटीफुल आता है। ये वो पॉइंट है जहाँ पर आपने देखा होगा काफ़ी सारे सेलिब्रिटीज बैठ कर यहाँ पर फोटोज खिंचाते हैं जब यहाँ पर इतनी भीड़ नहीं होती है। तो इसके बारे में मैं आपको एक फैक्ट बता देता हूँ, हिस्टोरिक फैक्ट, कि यहाँ पर बैठकर जो बादशाह शाहजहाँ थे वो ताजमहल को ऐसे निहारा करते थे। आपको डोम पे देखना तो कबूतर बैठे कहाँ, अरे हाँ। अच्छा एक और हिस्टोरिक फैक्ट बताता हूँ, मुझे डोम दिख रहा है ना, डोम के ऊपर जो आपको ऊपर से मेटल का वो दिख रहा है ना, तो ऐसा कहते हैं कि वो जो मेटल का था वो पहले सोने का हुआ करता था पूरा। तो ऐसा कहते हैं कि वो जो मेटल का जो पीस है वो पूरा सोने का हुआ करता था, लेकिन जब ब्रिटिशर्स ने हमें रूल किया था एंड जब वो गए तो सब कुछ लूट के चले गए, सोना वोना सब लूट के चले गए, पूरा गोल्ड था वो। तो यहाँ की गवर्नमेंट ने क्या क्या मेटल का, शाइनिंग मेटल है मे बी पीतल का, ऊपर से वो लगा दिया।
वो जो आपको गुंबद के ऊपर जस्ट वो पॉइंट नहीं दिख रहा, वो पॉइंट। तो हम लोग ये पता है शूज पहन रहे हैं, शू कवर जो लिए थे हमने 10 रुपीज। तो यहाँ ताजमहल के जो ऊपर जाने की जो टिकट है वो आपकी 200 रुपीज एक्स्ट्रा है। अगर आप नीचे तक घूमते, अगर इस एरिया तक आते हो, आपकी 40 रुपीज की टिकट है। लेकिन आपको ऊपर आना है तो आपकी 200 लगेगी, तो मतलब 240 रुपीज। एंड अगर आप ऑनलाइन बुक करते हो 250 का अराउंड पड़ता है, क्योंकि 10 रुपीज यहाँ का एक्स्ट्रा कुछ चार्जेस भी हैं। और यहाँ आने के लिए आपको ये मेक श्योर कि आपको ये शू कवर्स लेने पड़ेंगे, या तो आप शू उतार के आइए या शू कवर लेके आ जाइए। शू कवर बहुत ही नॉमिनल से चार्जेस में मिलते हैं, 10-10 रुपये में मिल रहे हैं। एंड यहाँ से हम चलते हैं ऊपर। मैं तीसरी बार आ रहा हूँ तो मुझे इतनी ज़्यादा एक्साइटमेंट नहीं है, क्योंकि मैंने ये थर्ड टाइम देख रहा हूँ मैं। लेकिन भाई मेरे जो साथ चल रही है ना, इनसे पूछता हूँ उनको कितनी एक्साइटमेंट है। और मुझे बहुत एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट में तो दिख नहीं रही है। हम सुबह से चल रहे हैं ना, तो इसलिए थोड़ा बहुत ऐसे थोड़ा टायर्डनेस हो जाता है। बट हाँ, जैसे ही यहाँ सब लोग सुबह ही आते हैं, सब लोग सुबह ही आते हैं, सब दिल्ली से ही आए हैं। मोस्टली पब्लिक यहाँ दिल्ली से ही है। जो हम गतिमान एक्सप्रेस से हम आए थे ना, तो आधी गतिमान एक्सप्रेस तो आगरा में ही खाली हो गई थी, क्योंकि सब यहीं आ रखे थे। तो चलो आपको ऊपर जाके दिखाता हूँ। ऊपर से देखो ऐसा लग रहा है, ऊपर से देखो कितनी भीड़ है, एकदम लग रहा है मेला लग रखा है। और तुम कुछ बताओ। फाइनली हम पहुंच गए अपने डेस्टिनेशन पे, ये रहा ताजमहल। और इसको देख के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही ज्यादा वाइट है। आई थिंक ये बहुत ही रिसेंटली क्लीन किया गया है, मैंने सुना मुल्तानी मिट्टी से इसको साफ करते हैं। एंड इस बिल्डिंग के दोनों साइड पे ना दो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। तो जो इस बिल्डिंग के लेफ्ट साइड पे स्ट्रक्चर है वो एक मॉस्क है, वहाँ पे यूजुअली जो है फ्राइडेज को नमाज पढ़ी जाती है। ये जो है स्ट्रक्चर, ये यहाँ का गेस्ट हाउस टाइप का है। यहाँ पर ऐसे बोलते हैं कि राजा के जो गेस्ट हाउस, जो राजा के जो दोस्त थे, वो जब यहाँ पर विजिट के लिए आते थे तो यहाँ पर रुकते थे, रेस्ट करते थे। एंड वो सामने यमुना जी। एंट्रेंस तक जाएंगे, बाकी वहाँ अंदर क्या है ये देखने के लिए आपको खुद ही यहीं आना पड़ेगा। ये इसमें ये जो वाइट मार्बल है ये मकराना राजस्थान से आया है। और जो आपने रेड स्टोन देखा होगा नीचे, जहाँ पे हम पहले, जहाँ पे ये वाला फोर्ट के भी जो रेड स्टोन है, जितना भी रेड स्टोन है ये सारा आया है फतेहपुर सिकरी से। फतेहपुर सिकरी, और फतेहपुर सिकरी यहाँ पास में ही है। एंड जो मकराना है वो राजस्थान में पड़ता है। तो सोचो तब के टाइम पर मकराना से इतनी सारी क्वांटिटी में जो मार्बल, ये लोग पता नहीं कैसे ही लाए होंगे। एंड देन उसको बनाना तो अलग ही बात है, लेकिन यहाँ तक लाना भी एक अपने आप में बहुत बड़ा ह्यूमंगस सा टास्क था उसके उस जमाने में। और इसीलिए तो इस भाई मेला तो कुछ ज़्यादा ही बड़ा हो गया। देखो मेला में पब्लिक, जैसे जैसे यहाँ टाइम बढ़ रहा है ना तो पब्लिक बहुत आ रही है। तो बेटर है कि आप सुबह सुबह आ जाओ, क्योंकि सुबह सुबह इतने लोग नहीं आते। लेकिन भाई अब बहुत ज़्यादा लोग आ चुके हैं। और यहाँ पर अंदर फोटोग्राफी अलाउड नहीं है मॉस्कोलियम के अंदर, तो हम कैमरा बंद कर रहे हैं। ये भी आपका ईस्ट फेस है। ईस्ट फेस से भी सेम ऐसा ही लगता है जैसा ये नॉर्थ फेस से लगता है। बेसिकली चारों तरफ है ना इसको सेम बना रखा है, तो आपको जिस एंगल से आप देखोगे आपको ये ताजमहल वैसा ही दिखेगा। एंड यहाँ पर इतनी भीड़ है ना, यहाँ पर अगर छोले भटूरे के स्टॉल लग जाए ना, वहाँ छोले भटूरे वाला माला माल हो जाएगा। सुबह जो मौसम बहुत अच्छा हो रहा था ना, वही मौसम बहुत ही खतरनाक हो गया यार। धूप बहुत ज़्यादा आ चुकी है। तो यार अगर आप ताजमहल आने का प्लान कर रहे हो ना, विंटर्स में ही आओ। अभी भी आपके पास विंटर स्टार्ट हो गई है, तो 3-4 महीने हैं। धूप में मत आना, समर्स में मत आना, परेशान हो जाओगे यार, बहुत गर्मी है इस टाइम पर। तो मैं आपको ना ये दिखाता हूँ, ये यमुना रिवर है। और यमुना रिवर के जो ये जो एरिया है, ये है मेहताब गार्डन। तो ऐसा कहते हैं हिस्ट्री में कि जो शाहजहाँ थे, उन्होंने ये सोचा था कि जैसे उन्होंने जब ये ताजमहल बनाया था, तो ऐसा ही सेम टू सेम रेप्लिका ब्लैक मार्बल में यमुना के उस पार मेहताब गार्डन की जो एरिया जो मैंने आपको दिखाया वहाँ बनाना चाहते थे। तो लेकिन ये जो बात थी ना, ये औरंगजेब को पसंद नहीं है। उसको लगा कि यार पापा तो आधा पैसा तूने ताजमहल में उड़ा दिया, और आधा पैसा भी हमारे अपने काले जो ताजमहल को बनाने वाले हैं ब्लैक, उसमें उड़ा देंगे। तो औरंगजेब को ये लग गया था कि अब प्रॉपर्टी तो फिर बचेगी नहीं जब सारा पैसा इसी में ही उड़ जाएगा। तो उसने क्या किया था, अपने पापा को मतलब शाहजहाँ को कैद करवा दिया था आगरा फोर्ट पे। और आगरा फोर्ट अगर आपको वहाँ दिख रहा होगा, वो आगरा फोर्ट है। अभी हल्का सा दिख नहीं रहा आगरा फोर्ट, लेकिन यहाँ ही। और वहाँ ऐसे कहते हैं कि आगरा फोर्ट में जिस कमरे में उनको रखा गया था ना, वहाँ एक शीशा लगा था
जिसके थ्रू डायरेक्ट शाहजहाँ इस ताजमहल को देखा करते थे। तो ये एक हिस्टोरिक फैक्ट है, जब आप यहाँ ताजमहल आओगे तो हमने सोचा ना आपको ताजमहल को दिखाने के साथ साथ कुछ बता भी दें, ताकि आप नेक्स्ट टाइम आपको गाइड की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि हम आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो आपको ना एक चीज़ और दिखाता हूँ, जल्दी हो, एक चीज़ दिखाता हूँ। ये जो एरिया है ना, इस एरिया को ऐसे बोलते हैं कि यहाँ से टनल पास होती है, और वो टनल डायरेक्ट कनेक्ट करती है रेड फोर्ट को, जो आगरा का फोर्ट है, तो वहाँ तक वो टनल जाती है। तो समझ लो उस टाइम के लोगों ने किस तरीके से ये मुगलों ने बना रखा होगा कि कभी भी कुछ हो तो यहाँ से एकदम शॉर्टकट वो एकदम फोर्ट तक पहुँच जाए। तो यही है यहाँ का मस्त अजूबा। अभी तो कह रही है बंद कर रखी है नहीं। तो यार फिर ताजमहल के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छी बुरी सच्ची झूठी जैसी लगी हो, आप प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइए आपको कैसी लगी। अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए। मस्ट विजिट प्लेस है अगर आप जरूर आइए, अगर आगे ताजमहल आप जरूर आइए यार, ये जगह बहुत बहुत ही ब्यूटीफुल है, आप जरूर आइए। कैसा लगा? तो मैं तो फर्स्ट टाइम है ना। हाँ फर्स्ट टाइम है, बट मेरे को ये बहुत अच्छा लगा, और मतलब 7 वंडर्स में से एक है, तो मेरे ख्याल से मस्ट विजिट है। और आपकी कंट्री में अगर एक वंडर है तो व्हाई नॉट जस्ट विजिट इट। चलिए अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, एंड मिलते किसी और वीडियो में। ओके टाटा बाय बाय। तो यार आप लोग ना जितना लेट करोगे उतनी ही ज़्यादा लंबी लाइन लगी है। इस वक्त बज रहे अराउंड 2 बज रहे हैं इस वक्त, एंड आप देखिए कितनी लंबी लाइन है, कितनी बाहर तक लाइन है यार। अबे तेरी उतनी और भी बहुत लंबी लाइन है।